हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है यू वी लर्न। मैं हूं संदीप वर्मा और आज हम क्लास सिक्स साइंस का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। हम अपने आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं उनको हम ग्रुप्स में बांटने वाले हैं। तो ग्रुप्स में कैसे बांटा जाता है और उसको बांटने से क्या फ़ायदा होता है, वो सब इस चैप्टर में हमने देखना है। तो बहुत सिंपल सा चैप्टर है, चलिए शुरू करते हैं इसको। तो हम अपने आसपास क्या क्या ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, जो भी देखते हैं यूज़ करते हैं, उनकी यहाँ पर थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी है, कुछ यहाँ पर ये पिक्चर्स दिए हैं। अपने आसपास आप देख सकते हैं जो भी चीज़ें हैं वो अलग अलग मटेरियल से बनी होती हैं। तो किस चीज़ से वो बनी है उसके बेसिस पर हम उनको अलग अलग ग्रुप्स में रख सकते हैं, उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं उसके बेसिस पर हम उनके ग्रुप्स बांट सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ टेबल नंबर 4.1 पर, और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट्स लिख रहे हैं एक साइड और एक साइड लिख रहे हैं मटेरियल जिससे वो बने हैं। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आपने लिखने हैं यहाँ पर एक साइड, और सामने लिखना है कि वो किस किस मटेरियल से बने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है प्लेट, थाली। तो प्लेट किस चीज़ की बनी होती है, तो आपकी प्लेट वो स्टील की बनी हो सकती है, ग्लास की हो सकती है या प्लास्टिक की हो सकती है। तो जिस भी चीज़ की बनी है, जिस भी मटेरियल की है, वो मटेरियल आपने सामने लिखना है। इसी तरह से पेन है, पेन जो है वो प्लास्टिक या मेटल का बना हो सकता है। इसी तरह से आपने अलग अलग चीज़ें यहाँ पर लिखनी है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखने हैं और उसके सामने किस मटेरियल से वो बने हैं उस मटेरियल का नाम लिखना है। तो यहीं से हमारा ये सॉर्टिंग जो है ग्रुप्स में बांटना जो है वो शुरू हो जाएगा। कैसे, जब आप ये मटेरियल समझ जाएंगे कि किस मटेरियल से बना है, तो उसके बाद आप टेबल नंबर 4.2 पर आ सकते हैं। यहाँ पर हम मटेरियल लिखेंगे फर्स्ट जो कॉलम है इसमें, और नेक्स्ट कॉलम में हम ऑब्जेक्ट्स लिखेंगे जो भी उस मटेरियल से बनते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ सबसे पहले दिया है वुड। तो वुड से क्या क्या चीज़ें बनती हैं, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, वो सामने यहाँ दिए हुए हैं। चेयर है, टेबल है, प्लो होता है हल, बुलक कार्ट है जो बैलगाड़ी होती है, उसके व्हील्स हैं। तो इस तरह से जो भी वुड से बनती हैं चीज़ें वो लिखनी है आपने। ज़रूरी नहीं है आपने यही लिखनी है, अपने आसपास देखें जो भी वुड से, लकड़ी से बनने वाली चीज़ें हैं वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पेपर, पेपर से क्या क्या ऑब्जेक्ट्स तैयार होते हैं वो आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद लेदर है, चमड़ा, उससे क्या क्या चीज़ें आप देखते हैं अपने आसपास बनी हुई वो आप यहाँ नोट कर सकते हैं। प्लास्टिक, कॉटन, तो इस तरह से सारी की सारी चीज़ें आपने यहाँ नोट करनी है। इसके बाद कुछ और भी आप मटेरियल यहाँ पर लिख सकते हैं, स्टील लिख सकते हैं, आयरन लिख सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर, इन चीज़ों का भी आप यहाँ पर नाम डाल सकते हैं और उससे जो भी ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं वो सामने लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हम मटेरियल्स को जो है उनके बेसिस पर, मटेरियल से जो बनने वाली चीज़ें हैं उनको हम अलग अलग ग्रुप्स में बांट सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमने देखना है कि जो मटेरियल हैं वो किस किस टाइप के हैं, उनमें क्या क्या ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे हम उनको ग्रुप्स में बांट सकते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, जिन जिन मटेरियल्स की हम अभी बात कर रहे थे उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आता है वो दिखाई कैसे देते हैं, उसे हम बोलते हैं अपीयरेंस। तो अपीयरेंस का मतलब है कैसे दिखते हैं वो। तो हर एक मटेरियल जो है एक दूसरे से अलग दिखता है, दे लुक डिफरेंट। तो किस तरह के वो दिखते हैं उसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आपने अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखी होंगी उसमें देखा होगा कुछ में चमक होती है, कुछ चमकदार होते हैं और कुछ में चमक नहीं होती है। तो उसे हम चमक को इंग्लिश में कहते हैं शाइन या लस्टर। तो जिसमें लस्टर है वो अलग टाइप के मटेरियल हो गए, और जिसमें ये लस्टर या शाइन नहीं है, चमक नहीं है, वो अलग टाइप के मटेरियल्स हो गए। ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं उनमें ये लस्टर होता है। तो आप जितने भी आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, कॉपर, ये गोल्ड एंड सिल्वर, इनमें ये चमक होती है। कई बार ये चमक जो है वो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे कम हो जाती है। तो जब आप उसको, अगर डल है वो, उसको रगड़ कर देखें, उसको स्क्रैच करें थोड़ा सा या कट करें, तो आपको दिखेगा कि उसमें वो शाइन वापस आ रही है। तो जो भी इस तरह की शाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम अलग रख सकते हैं। तो वो अलग रखने के लिए कौन कौन से आ गए यहाँ पर मटेरियल, वो ये हैं। उसके बाद जिनमें शाइन नहीं है वो अलग टाइप के हो गए, उसमें आ गया आपका वुड, पेपर, कॉटन। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको हम
उसमें रख सकते हैं, सेकंड ग्रुप में रख सकते हैं जिसमें लस्टर नहीं है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। उसके बाद हम सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है हार्डनेस। तो हार्डनेस के बेसिस पर भी हम इनको ग्रुप्स में बांट सकते हैं। आप देखते हैं कि चीज़ें जब आप टच करते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को प्रेस करते हैं, तो आपको पता लगता है कि उनमें से कुछ जो है वो हार्ड हैं, कुछ हैं सॉफ्ट हैं। तो कैसे हम बताते हैं उसको? प्रेस करके बताते हैं उसको। हम कहते हैं यहाँ पर कंप्रेस करना। तो जब किसी चीज़ पर फोर्स लगाते हैं, आप उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं और वो कंप्रेस हो जाती है, दब जाती है, तो हम कहते हैं वो सॉफ्ट है। और अगर नहीं दबती है, नहीं कंप्रेस होती है, तो उसे हम कहते हैं कि वो हार्ड है। तो यहाँ पर ये आ गया, मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड ईजीली, जिनको कंप्रेस करना या स्क्रैच करना आसान है, ईजी है, उन्हें हम सॉफ्ट मटेरियल कहते हैं। और जिनको ये डिफ़िकल्ट है कंप्रेस करना, उन्हें हम कहते हैं हार्ड मटेरियल्स। तो किनको कंप्रेस करना ईजी होता है? तो उसमें यहाँ पर आ गया कॉटन, स्पॉन्ज, तो ये जो है ये सॉफ्ट मटेरियल है। आयरन, लोहा, ये हार्ड मटेरियल है, इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता ईजीली। तो इस तरह के यहाँ पर हमारे पास ये हार्डनेस के बेसिस पर भी हम ग्रुप्स में बांट सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पर सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल इनसॉल्यूबल का मीनिंग है कि वो घुलते हैं पानी में या नहीं घुलते हैं ऑब्जेक्ट्स। तो जो भी मटेरियल हैं वो पानी में घुलते हैं या नहीं घुलते हैं, इस बेसिस पर भी हम उन्हें ग्रुप्स में बांट सकते हैं। तो यहाँ एक टेबल भी दिया हुआ है, टेबल नंबर 4.3। इसमें आपके पास अलग अलग चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं और उनको आप चेक कर सकते हैं पानी में डालकर कि वो डिज़ोल्व होते हैं या नहीं होते। डिज़ोल्व होते हैं, सॉल्यूबल हैं या इनसॉल्यूबल हैं। सॉल्यूबल मतलब घुल जाते हैं, इनसॉल्यूबल मतलब घुलते नहीं हैं। तो सबसे पहले है सॉल्ट, नमक। तो नमक आप जानते हैं कि पानी में आसानी से घुल जाता है, डिसअपीयर्स कम्प्लीटली इन वाटर। डिसअपीयर्स मतलब गायब हो जाता है। शुगर, यहाँ भी आप यही लिखेंगे, डिसअपीयर्स कम्प्लीटली इन वाटर। सैंड, रेत, रेत तो नहीं होती पानी में गायब, तो यहाँ आप लिखेंगे डज नॉट डिसअपीयर इन वाटर, डज नॉट डिसअपीयर, ये ऊपर भी दिया हुआ है। इसके बाद चॉक पाउडर, इसको भी आप करके देख सकते हैं। सॉडस्ट, लकड़ी का जो बुरादा होता है, उसको आप करके देख सकते हैं। तो जो चीज़ें पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, उन्हें हम सॉल्यूबल कहते हैं, और जो चीज़ें नहीं होती हैं गायब, डिसअपीयर नहीं होती हैं, उन्हें हम इनसॉल्यूबल कहते हैं। इसी तरह से हम लिक्विड्स की भी बात कर सकते हैं। कुछ लिक्विड्स जो हैं उनको भी हम चेक कर सकते हैं पानी में डिज़ोल्व होते हैं या नहीं। इसमें यहाँ पर विनेगर लिया हुआ है, सिरका, लेमन जूस, नींबू का रस, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, केरोसिन, मिट्टी का तेल। तो इनको आप देख सकते हैं पानी में डाल के ये मिक्स होते हैं या नहीं। तो विनेगर, सिरका जो है वो मिक्स हो जाता है, तो ये सॉल्यूबल है। लेमन जूस, आप लेमन जूस बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, नींबू का रस उसमें पानी में डालते हैं, तो वो आसानी से घुल जाता है, तो यहाँ भी आप यही लिखेंगे मिक्स इज़ वेल। सरसों का तेल, इसको आप करके देख सकते हैं। कोकोनट ऑयल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, आप अलग अलग लिक्विड्स को पानी में डाल के थोड़ा थोड़ा डालकर चेक कर सकते हैं डिज़ोल्व होता है या नहीं। अगर डिज़ोल्व हो जाए तो आप यहाँ मिक्स इज़ वेल लिखेंगे, घुल जाएगा, और मिक्स नहीं होता है तो आप लिखेंगे डज नॉट मिक्स। तो इस तरह से आप इनको चेक कर सकते हैं। यहाँ एक ये डायग्राम भी दिया हुआ है, इसमें आपका ये मिक्स हो रहा है, इसमें दो लेयर्स बन रही हैं, पानी अलग है, वाटर अलग है, और दूसरा जो लिक्विड है वो अलग से है, तो इसका मतलब मिक्स नहीं हो रहा है। तो आप जब इसको करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कुछ लिक्विड्स मिक्स हो जाते हैं पानी में तो वो सॉल्यूबल हैं, और कुछ नहीं होते हैं वो इनसॉल्यूबल हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है ऑब्जेक्ट्स मे फ्लोट और सिंक इन वाटर। पानी में तैरते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स, और कुछ जो है पानी में डूब जाते हैं। तैरना फ्लोट करना, और डूबना सिंक करना। तो कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो पानी में डूबते हैं, कौन से हैं जो तैर जाते हैं, उसको भी आप पानी में ऑब्जेक्ट्स को डालकर देख सकते हैं। तो यहाँ भी इसका डायग्राम दिया हुआ है ये, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, और इस तरह से आप करके भी देख सकते हैं। तो जो भी पानी से भारी होते हैं, हैवियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बेसिकली उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है पानी से, तो वो पानी में डूब जाते हैं, और जो हल्के होते हैं, डेंसिटी कम होती है, वो पानी में तैरते रहते हैं।
तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड जो है लकड़ी, वो पानी के ऊपर तैरती रहती है। लोहा आयरन वो पानी में डूब जाता है। तो कौन सी चीज़ पानी में फ्लोट होती है, कौन सी सिंक करती है, उसके बेसिस पर भी आप ग्रुप्स बना सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, ये लास्ट प्रॉपर्टी है, इसका नाम है ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब है जिस ऑब्जेक्ट के आर पार दिख जाए, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं इजीली, उसे हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ग्लास जो है आपका, कांच, कांच, ग्लास, वाटर, एयर, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनके आर पार हम इजीली देख सकते हैं। कांच के आर पार हमें साफ नज़र आ जाता है, पानी के आर पार नज़र आता है, हवा के आर पार नज़र आता है, तो ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इन्हें हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। प्लास्टिक भी होता है कुछ जो ट्रांसपेरेंट होता है, आपने शॉप्स में, दुकानों में देखा होगा, इस तरह के बॉक्सेस रखे होते हैं जिनमें आपके टॉफीज, चॉकलेट्स रखी जाती हैं, तो वो प्लास्टिक है लेकिन वो ट्रांसपेरेंट है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके आर पार नहीं दिखता, तो उन्हें हम कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ओपेक कहते हैं उनको। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके आर पार नहीं दिखता है, तो यहाँ पर उसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वुडन बॉक्स, कार्डबोर्ड, मेटल। तो वुड, कार्डबोर्ड यानी कि गत्ता, मेटल जो भी धातु हैं, लोहा, तो वो उनके आर पार हमें नहीं दिखता है, तो उन्हें हम कहते हैं ओपेक मटेरियल्स, ओपेक, OPAQUE। तो ओपेक मटेरियल्स हैं ये। इसके बाद कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो बीच के होते हैं, जिनके आर पार कुछ कुछ दिखता है, कुछ कुछ नहीं दिखता, तो बिल्कुल क्लियर साफ नज़र नहीं आता है आर पार, लेकिन थोड़ा थोड़ा नज़र आता है। तो इसके लिए आप घर में करके देख सकते हैं, एक पेपर लो और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल दो या कुछ बटर डाल दो, तो आप देखेंगे कि जब वो फैल जाएगा तो उसके आर पार थोड़ा थोड़ा नज़र आना शुरू हो जाता है। उसको आप लाइट की तरफ करके देख सकते हैं, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा नज़र आता है। तो इस तरह के मटेरियल्स जो होते हैं जिनके थ्रू जो है वो दिखता है बट नॉट क्लियरली, जिनके आर पार दिखता है लेकिन साफ साफ नहीं दिखता है, तो इस तरह के मटेरियल्स जो होते हैं, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स जो हैं, उनको हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट। तीन टाइप के ऑब्जेक्ट्स हो गए, ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट के आर पार पूरा पूरा क्लियर नज़र आता है, ओपेक के आर पार नज़र बिल्कुल भी नहीं आता है, और ट्रांसलूसेंट के आर पार थोड़ा थोड़ा नज़र आता है लेकिन क्लियर नज़र नहीं आता है। तो इनके बेसिस पर भी हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ग्रुप्स में। तो ट्रांसलूसेंट के कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं, कुछ जो पतले कपड़े होते हैं उनके आर पार दिख जाता है तो वो ट्रांसलूसेंट है, कुछ प्लास्टिक होते हैं जिनके आर पार थोड़ा थोड़ा नज़र आ जाता है वो ट्रांसलूसेंट है। यहाँ एक छोटी सी एक्टिविटी और दी है, अपने हाथ के ऊपर, हाथ के को टॉर्च के ऊपर रखते हैं तो उसमें लाइट नज़र आती है ऊपर, तो इसका मतलब लाइट इसमें भी थोड़ी थोड़ी आर पार पहुंच रही है, तो हमारा हैंड जो है वो भी ट्रांसलूसेंट है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी ऑब्जेक्ट्स की, मटेरियल्स की, और उसके बेसिस पर हमने ग्रुपिंग की। अब ग्रुप्स क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि इससे जो है चीज़ों को छांटना, उनको पहचानना इजी हो जाता है। आप घर में भी कोई चीज़ जितने भी रखते हैं अपने घर में, तो उनको भी आप ग्रुप्स में बांट कर रखते हैं, यार एक टाइप की चीज़ें अलग जगह रखते हैं, दूसरी टाइप की चीज़ें अलग जगह रहते हैं, उससे उनको ढूंढना इजी हो जाता है। साइंस में भी इनको सॉर्ट इसलिए किया जाता है ताकि उनकी एक जैसी प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी कर सकें, जो एक जैसी प्रॉपर्टीज़ होंगी उसके बेसिस पर हम उनको अलग अलग रख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद ये समरी है, आपने ये समरी पढ़नी है, इसमें हमारे पास ये जो भी दिया हुआ है, ये सारा का सारा जो हमने अभी पढ़ा है इस चैप्टर में, वही सारा का सारा है। तो यहाँ इसको पढ़ेंगे आप तो रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद ये एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चंस आपने करने की कोशिश करनी है, खुद ट्राई करने हैं जो भी आप इसमें से क्वेश्चंस कर पाओ, और उसके बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो इसके सॉल्यूशंस करेंगे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।